प्रसाद ये वो उन्होंने लगाते हैं और वो बड़े प्यार से ग्रहण करते हैं। ये वो प्रांगण है जहाँ पर श्रोता को अमृत रूपी संगीत पान करने को मिलता है और प्रस्तोता को उसकी उनकी कला को, कला जीवन को अमरत्व और दीर्घजीवी का वरदान मिलता है। शायद इसीलिए जो परंपरा है यहाँ की प्रस्तुति की वो अभी भी चल रही है। माँ गंगा की अग्रिल धार, इसका प्रतीक हम सब यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और जितने लोग सुनते हैं, जितने लोगों को बुलाया जाता है, ये माना जाता है कि उनका आदेश होता है तभी सुनने वाले भी आप आते हैं। नहीं तो गलियों की जो परिस्थिति है उसमें जो संगीत के प्रति लगाव नहीं रखेगा वो नहीं पहुँच सकता। तो जितने लोग बैठे हैं वो एक एक लोग शायद 100-100 लोगों के समान हैं, उनके पास श्रुति है, ऐसा जानते हैं, समझते हैं। आज के स्वरांजलि संध्या का शुभारंभ आदरणीय डॉक्टर सुकल्पा मुखर्जी जी, उनकी सुपुत्री सुश्री चारुलता मुखर्जी संयुक्त रूप से संयुक्त गायन के माध्यम से करेंगी। हम जानते हैं कि परिवार की पूरी माता होती है, माँ के जो संस्कार होते हैं वो बेटी में दिखता है, ये सब जानते हैं और सार्वजनिक रूप से भी दिखता है और सुनने में आए तो ये बड़ा बड़े बढ़िया योग बन जाता है। और यहाँ एक संपूर्ण परिवार जो संगीत को सिर्फ सीखता या प्रस्तुत नहीं करता, संगीत को प्रतिक्षण प्रतिदिन जीता है, वो यहाँ उपस्थित है तबले पर श्री सौम्यकांत मुखर्जी जी। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने कलाकार जीवन को और गुरु जीवन को दोनों को बड़े तरीके से देखा, समझा और अभी भी जीते हैं। तबले पर हम सभी के प्रिय सौम्यकांत मुखर्जी जी के साथ संवादन पर सहयोग प्रदान करेंगे भैयन जी। भैयन जी हम बोल रहे थे कि वो अस्वस्थ है लेकिन हमें ऐसा विश्वास है कि जब वो यहाँ उपस्थिति देंगे, हाजिरी लगाएंगे तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय पंडित किशनराम धोकर जी से कलाकारों को हार भेंट कर उनका स्वागत करें और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से। झेल रहे हैं, जिस तरह त्रासदी में जी रहे हैं, बहुत लंबे समय के बाद आज पुनः इस तरह आमने सामने बैठ के गाने का अवसर मिल रहा है। मोबाइल में गाना सुनना नहीं पड़ रहा है या मोबाइल में गाना नहीं पड़ रहा है तो इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ सब अपने लोग हैं, बस यही कहूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है सपरिवार इस तरह हाजिरी लगाने का मौका, शायद यहाँ पहली बार। एक बार शायद आपका हुआ है नहीं, यहाँ पे बहुत हुआ है, विद्या बड़ी हो गई उसके बाद सात तीनों लोग, ये तो बहुत बार किया है, ये अलग से की है, लेकिन साथ में तीनों लोग, तो इसके लिए तहे दिल से आदरणीय week